अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम है फ़खर आसिफ बाजवा और आप देख रहे हैं बाजवा कहता है यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। PSL 8 के हवाले से कुछ प्लेयर्स की अवेलेबिलिटीज़ के हवाले से अपडेट आपको दे रही थी। एक रिप्लेसमेंट भी है, कुछ प्लेयर जा रहे हैं PSL को छोड़कर इंटरनेशनल ड्यूटीज़ की वजह से। कौन कौन से प्लेयर हैं, कब कब जाएंगे, उस हवाले से आपको इस वीडियो में अपडेट मिलने जा रही है। और PSL 8 का जो पॉइंट टेबल है वो आपको बताया जाएगा और क्वालिफिकेशन सिनेरियो अब क्या है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए और पेशावर ज़ल्मी के लिए, उस हवाले से भी आपको इस वीडियो में अपडेट मिलने जा रही है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि PSL के हवाले से कोई भी अपडेट आप मिस ना कर दें। तो प्लेयर्स की अवेलेबिलिटीज़ के हवाले से आपको अपडेट दें तो मुल्तान सुल्तान के अकील हुसैन जो हैं और पेशावर ज़ल्मी के रोमन पोबल जो हैं और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ओडिन स्मिथ जो हैं वो PSL छोड़ कर जा चुके हैं साउथ अफ्रीका वर्सेज़ वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ होनी है उसके लिए। जबकि डेविड मिलर जो है मुल्तान सुल्तान के, वो आज का मैच खेलने के बाद जो है वो चले जाएंगे और मुल्तान सुल्तान को अवेलेबल नहीं होंगे। जबकि उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर मुल्तान सुल्तान ने जॉनसन चार्ल्स को पिक कर लिया है। जॉनसन चार्ल्स जो हैं वो प्लेऑफ्स में मुल्तान सुल्तान की नुमाइंदगी करने के लिए अवेलेबल होंगे। जबकि शेल्डन कोटरेल ने ऑलरेडी मुल्तान सुल्तान को ज्वाइन कर लिया हुआ, कल का मैच भी खेला था। मुल्तान सुल्तान कल का मैच जीत कर प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। आप लोग अपने पॉइंट्स टेबल पर देख सकते होंगे। अब जो दो टीमें चौथी पोजीशन के लिए लड़ रही हैं उनमें पेशावर ज़ल्मी है और क्वेटा ग्लैडिएटर्स है। दोनों के एक एक मैच बकाया है। क्वेटा के लिए अगर वो आज का मैच जीतते हैं तो उनको रन रेट भी जहन में रखना होगा और रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि क्वेटा जीते मैच और पेशावर अपना मैच हारे और दोनों का जो कंबाइंड डिफरेंस है वो 100 रन का होना चाहिए क्वेटा की फेवर में, तो तब क्वेटा ग्लैडिएटर्स रन रेट पर पेशावर ज़ल्मी को क्रॉस कर पाएगी, नहीं तो पेशावर ज़ल्मी जो है वो क्वालिफाई कर जाएगी। और अगर पेशावर अपना मैच कल का जीत जाती है तो पेशावर ज़ल्मी क्वालिफाई कर जाएगी फॉर द प्लेऑफ्स। आप बताएंगे आपके ख्याल में पेशावर को क्वालिफाई करना चाहिए या फिर क्वेटा ग्लैडिएटर्स को करना चाहिए। और रिप्लेसमेंट के हवाले से आपके ख्याल में डेविड मिलर की रिप्लेसमेंट कैसी है जॉनसन चार्ल्स, और कौन इस वक्त फेवरेट दिखाई दे रहा है चैंपियन बनने के लिए, अपनी राय के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।